गोड़ लगातानी हिंदुस्तान हम दिनेश लाल एक बार फिर से लेके आ गेल बानी डांस के महासंग्राम जोना के नाम है डांस संग्राम। बड़की माई, हिंदुस्तान के कोना कोना में लोग एक कार्यक्रम के और आप लोग की चर्चा कर रहल बा और वही चर्चा के कुछ झलक हमरा लगे बाटे और वो हम रउआ सबके दिखावल चाहतन। चैनल पे डांस प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। डांस संग्राम एक भोजपुरी का सबसे बड़ा रियलिटी शो है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी हंसियाँ हैं जैसे कि दिनेश जी, श्वेता जी, संभावना जी और सरोज जी। डांस संग्राम हमें बहुत अच्छा लगा ला और जो श्वेता तिवारी और संभावना जी हैं उन लोग आपस में जो डांस के लिए वो लोग लड़ते झगड़ते हैं वो भी हमको बहुत अच्छा लगता है। सफलता संभावना जब टीम के लिए जब लड़ती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। संभावना जी जो बोलती है का कचकचा के नाची हो वो बहुत अच्छा लगता है। आत्मजीत भैया का एक डांस लॉलीपॉप जोन भर है वो हमें बहुत बहुत पसंद हो। ऊपर सरोज खान जी भी उन्हें बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दे रही। महुआ चैनल पर डांस संग्राम दिनेश जी को देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। डांस संग्राम बहुत पसंद है और निरो भैया बहुत पसंद है। मैं राजस्थानी हूँ और ये जो महुआ पे प्रोग्राम आता है डांस संग्राम ये काफ़ी अच्छा है। इसके कंटेस्टेंट मुझे बहुत पसंद है जैसे अविनाश, दीपू मुझे काफ़ी पसंद है। डांस संग्राम में सबसे भलो जो कंटेस्टेंट्स आज गौरी चैत्री हमें चाहिए वो गौरी चैत्री जी तो गौरी चैत्री उसका डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने उसकी कहानी सुनी है मैं बड़की माई से अनुरोध करता हूँ कि उसके बारे में कुछ सोचें और मुझे सारे पार्टिसिपेंटों को ऑल द बेस्ट। ई बाटे हमरा हिंदुस्तान के लोगन के विचार। अलग अलग कारण से लोग जुड़ गेल बा इस संग्राम से। कुछ लोग के संभावना जी के कचकचा के कहल पसंद आवता, कुछ लोग के ए दोनों कप्तान लोग के अपना अपना टीम खातिर लड़ल भी पसंद आ रहल बा। तब बड़की माई रउआ का कहल चाहब हमरा ए दर्शक लोग खातिर के। हमें खुशी है कि उनको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और जैसा कि मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि गौरी के बारे में कुछ सोचें तो हम वादा करते हैं कि हम ज़रूर सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बड़की माई। आज बाकी बचली 6 गो योद्धा लोग देखी हैं ये मंच पे अपन हौसला जीत के और अपना सपना के साकार करे के जो जुनून बा वो जुनून के देखी हैं, हौसला के देखी हैं और ये लोग के हौसला के बढ़ावे खातिर भोजपुरिया माटी के एगो नायाब खूबसूरत मोती ए मंच से जुड़ रहल बाड़ी। गरम मसाला 13 बीट ट्रैफिक सिग्नल जैसन फिल्मन में अपन अदाकारी से दर्शकन के साथ साथ आलोचकन के भी दिल जीते वाली खूबसूरत अभिनेत्री नीतू चंद्रा जी। बहुत बहुत स्वागत बा आपके हमरा ये डांस के महासंग्राम के महामंच पे और हम चाहता नहीं कि रुआ बताई ए मंच और ए संग्राम में आके आपके कैसन लागल है। चैनल देखे वाला सभी दर्शकगण के नीतू चंद्रा के प्रणाम। सरोज जी आई लागू बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बहुत लोगों का जो हमको यहाँ पर बुलाए हैं क्योंकि ये सब बहुत दिन से ये सब देख रहे थे। हम सोच रहे थे कि कब हमको मौका मिलेगा कि दिनेश जी के साथ जाके हम बात करें और ये सब सब लोगों को परफॉर्म करते हुए देख सकें, तो आज हमको ऐसा मौका मिला है और देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन हम तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आज यहाँ पे बुला के हमको इतना सारा परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है। नीतू जी हम आपके लिए चल के और अपना बड़की माई के बगल में बैठा दें। नीतू जी के ताजगी, श्वेता जी के सादगी, संभावना जी के जोश और बड़की माई के ज्ञान से ए मंच के खूबसूरती में 4-4 गो चांद लग गई बाटे और आज यह मंच पे धुरंधर लोग देखी हैं अपन अलग अंदाज। इ लोग ही बताई हैं कि कहें ये लोग बाकी लोग से अलग बा, ये लोग के वो कौन अंदाज है जोना के वजह से ये लोग अलगा बा। आई सब सबसे पहले चलल जाओ संभावना जी के लगे और उनका से पूछल जाओ जोशीले में से आज ही केकरा के सबसे पहले भेज रहल बाड़ी। सबसे पहले आज मैं भेजना चाहूंगी मेरे इलाहाबाद के पंजाबी पुत्र आत्मजीत को। Three, four.
check this out. Out. मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे वेस्टर्न में क्लासिकल के मिक्स कर दिला है। हाँ वो मेरे अंदर दोनों का भूत घुस गया था। दोनों चलो ठीक है बात आवा चल जाओ तनी श्वेता जी के लगे कैसा लगा लाइन कर अलग अंदाज बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था दिनेश दिख रहा था कि एक फोर्सफुल एनर्जी आपको जबरदस्ती डांस कराने की कोशिश कर रही है और जो भी आपने करने की कोशिश द बिगनिंग पार्ट वॉज हिलेरियस जहाँ पे एवरी डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी ट्राइंग टू डांस बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट एक चीज जिसमें मुझे बहुत हंसी आई आपका मधुबन में राधिका नाचे रे उसमें आपकी बांसुरी ऐसी इट वॉज दिस यूनिक पार्ट ऑफ यूनिक थैंक यू मैम ऐसा आके लोग नाच जाते हैं हिंदी और इंग्लिश मिला के और कहते ये फ्यूजन है बट यू गेव अ रीजन फॉर द फ्यूजन थैंक यू मैम दैट इज लवली थैंक यू मैम एंड यू डिजर्व समथिंग मोर अथमजीत बाबू के मेहनत बाटे कंधा में चोट लगला के बावजूद ए मंच पे अपन दावेदारी तक कायम रखबे कैले ए मंच पे कुछ ऐसन दिखा देले जौना से जीत लेले हम बड़की माई के दिल और पा गइले हम बड़की माई के आशीर्वाद एके अपने जीवन में हमेशा सजा के रखिया बचा के रखिया वो भी बचा के रखा है जो पहले मिला था ये भी बचा के रखिया नीतू जी कैसा लागल है आतमजीत बाबू के रंग आपके ऐसा लगे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया उधर थैंक यू हमको वो भी एपिसोड याद है जहाँ पे आप सरोज जी को लॉलीपॉप स्टेप करवाए थे जिस तरह से आपने किया हमको लग रहा था कि हम ही आ जाए डांस करने के लिए बिल्कुल आइए ना नहीं ना अगली बार सरोज जी अरे आइए बिल्कुल आइए नीतू जी आ जाए तनी कहे कि आतमजीत बाबू सबका के नचा चुकल हुए वाह भाई वाह ले क्या वजह बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी ये मंच पर अभी तक तू सबके नचा दिले रहा है बड़की माई के नचा दिले रहा है संभावना जी के श्वेता जी के और आज हमनी के मेहमान नीतू जी भी मंच पे आ गई है ऐसे हम कहिला कि तू धरती के लाल हुआ और अब बारी बाटे नंबर के आई गिव हिम 39 थैंक यू 39 नंबर एक के नंबर बचल है खाली और एक नंबर से कई गुना ज्यादा मतलब उसे बड़ कोनो दौलत नहीं खे जोन तोहके मिल गए बड़की माई के हाथ से तो बड़की माई जो नंबर दे ले हैं वो तो हमनी के बतावल जी बाद में और अब हम अपना अगला धुरंधर के बुलाई और चाहब की आतमजीत बाबू अपन स्थान ग्रहण करा कहल जाला कि युद्ध गिनती से ना लड़ल जाला युद्ध जोश और जुनून से लड़ल जाला आज हर योद्धा दिखा रहल बाणे अपन अलग अंदाज जेकर अंदाज रही हर बार मजेदार उहे बनी ए महामंच का सबसे बड़का डांसिंग स्टार संभावना जी के चार जोशीले के सामने
श्वेता जी के दू गो जाबाज एकदम डट के बैठल हुए युद्ध लड़े खातिर। इनकर अंदाज कैसन होई और इनकर आज के रंग कैसन होई हमनी के देखल जाई। रउआ सब कहीं जाई मत, काहे कि उ हर सपना जौना में बसेला प्राण, उ हर सपना जौन भरेला उड़ान, उ हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम। आज योद्धा लोग में होड़ मचल बा अपन अलग अंदाज देखावे खातिर। और आज हमनी के बीच में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री नीतू जी बाड़ी, और आई सवे देखल जाओ हमनी के चलल जाओ श्वेता जी के लगे और इनका से पूछल जाओ कि कौना सिपाही के भेजिए, कहें कि दुइये सिपाही बचल हों। जी अब जो दो बचे हैं वो दोनों फाड़ू डांसर्स हैं, दे आर वेरी नाइस डांसर्स, बहुत अच्छे बहुत दमदार डांसर्स हैं। तो इस बार मैं अपने फायर डांसर को भेजना चाहूँगी जो झारखंड रांची से है, दीपू। दीपू चलो अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं रही, तुम्हारी दुनिया कहीं और है। संभावना जी रहुआ बताएं कैसन लागल है दीपू बाबू के अलग अंदाज। दीपू एज अ परफॉर्मर मुझे हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा इस एक्ट में मेरे को ऐसा लगा कि कहीं थोड़ा बीच में तुम भूल रहे थे, दैट्स इट। शायद कुछ मोमेंट्स क्लियर नहीं थे जब तुम डांस कर रहे थे, बाकी परफॉर्मेंस आपका अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। नीतू जी रहुआ के कैसन लागल है ई दीपू बाबू के अलग अंदाज। बहुत ही अच्छा आपके हैं, और आपका हम पहले आपका जो स्टोरी है आपका जो जो बैकग्राउंड है उससे हम अच्छा से वाकिफ हैं, हम जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रगल करके फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और कैसे इतना वहाँ से यहाँ तक आना बहुत बड़ा बात होता है। और जो आपका एक्सप्रेशन था स्पेशली जो आप जिस तरह से भाव से आप डांस कर रहे थे, हम एकदम महसूस कर सकते हैं कि कैसे आप किस जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं वो निकल रहा था, और इस तरह से फाइट करके स्ट्रगल करके, हम स्ट्रगल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमको स्ट्रगल वर्ड अच्छा नहीं लगता है, इतना फाइट करने के बाद यहाँ पहुँचे, इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं, मतलब जस्ट कीप ऑन गोइंग, बहुत ही अच्छा और गुड लक। बड़की माई आपके कैसन लागल है दीपू बाबू के अंदाज। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन आफ्टर डेथ जो तुम्हारा डांस था वो कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव मूवमेंट्स थे। जोन बड़की माई नंबर देले हुई हैं वो तो हमनी के बता चली बाद में, अभी हमनी के चलल जाओ प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान के लगे। संभावना जी कितना नंबर देली है दीपू बाबू के? मुझे बहुत बुरा लगता है कम नंबर देते हुए दीपू, और ख़ासकर तुम्हें, क्योंकि तुम बहुत अच्छे परफॉर्मर हो। बट आई थिंक इस बार मैं तुम्हें 35 देना चाहूंगी। 35 नंबर तोरा के मिल गई है संभावना जी की ओर से 35 नंबर, और बड़की माई के नंबर हमनी के बतावल जी आखिरी में। और अब हम अपना अगला धुरंधर के बुलाइब और चाहब कि आप अपन स्थान ग्रहण करा। जेकरा हाथ में होई तकदीर के सबसे लंबी लकी, उहे मंच पे लड़ी आखिरी तक और बनी भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार। तो आई सबे चलल जाओ हमनी के संभावना जी के लगे और पूछल जाओ संभावना जी अब रउआ जोशीले टीम से किकरा के भेजा था नी। अब आने जा रही है मेरी तरफ से मेरा सुतली बॉम्ब पटना से अंजलि। जैसा कि सब लोग बोलते हैं यहाँ पे जितने मेरे भैया हैं और मेरी बड़ी दीदी हैं, सब लोग बोलते हैं कि उनके परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं अंदर से जानती हूँ, क्योंकि अब भैया तो यहाँ रहे नहीं तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो अब जिम्मेदारी है तो अब निभाना तो पड़ेगा, और पूरे दिल के साथ निभाऊंगी। मम्मी पापा बड़े भैया प्रदीप भैया सब लोग चाहते कि मैं बहुत अच्छा डांस करूं, और अपने आप पर भरोसा है मुझे, और जैसे कि गुरु माँ कहती है हमेशा कि बस अच्छा से नाचो दिल खोल कर नाचो, तो आज वही करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। हमने के भी चाहे कि तू बहुत बढ़िया से करा और बड़की माई के दिल जीता। हाँ ज़रूर। Oh,
लॉट। थाली के गूंज रुके के ना चाहिए, ऐसा ही एकदम गड़गड़ात रहे। जोन वादा कैले रहली अंजलि अपना भैया से, आज वादा के निभा दे लिया। She made me cry. She's so good. Today I can call her a blast. Dinesh, काश मैंने ये गाना ऐसा किया होता। मुझे ये नहीं कि मुझे इनाम नहीं मिला, मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन मेरे से बढ़कर ये गाना हुआ है। अंजलि की मेहनत आज रंग दिखा देलस और बड़की माई की आंख भी भर गई है। बड़की माई दिनेश, दिनेश आज जो अम्मा ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि ये जो गाना हुआ वो इनकी कोरियोग्राफी से भी बढ़कर हुआ, तो दैट क्रेडिट आल्सो गोज टू गिरीश जिसने इस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ किया। गिरीश प्लीज स्टेज पर आ जाओ यार। स्वीटहार्ट आपने अगर ये सहारा उसको नहीं दिया होता, अगर आप इतना अच्छी मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते एज अ चोर, दिस आइटम वुड हैव गॉन फ्लैट। कम हियर, यू डिजर्व दिस। कहल जाला कि कबो कबो भक्त के वजह से भी ऐसन भक्त भी होले जे अपने साथे साथे अपने गुरु के भी भगवान के दर्शन करा देते, रोशन कर देते हैं गुरु का। अंजलि कैसन लागा था तोहरा के, तू बतावा। बहुत अच्छा लगा था, पहली बार पैसा भी नहीं हुआ। एक एक खाली पैसा मत समझा। आत्म जीत भैया के मिलल अभी तो हमरो के मन करत रहे कि हमरा के कब पैसा मिली, लेकिन गुरु माँ देख दे दी हमरा के, बहुत अच्छा लागल और आज हम बहुत खुश बानी। बहुत अब तो तू जानिए गई लोबू नंबर कितना मिलल है, फिर भी चला पूछ ले जाओ श्वेता जी से। श्वेता जी इनको मैं वो सारे नंबर्स दूंगी जो मेरे झोली में है। रूल के हिसाब से मेरे झोली में सिर्फ 40 नंबर आते हैं, तो वो सारे मैं दे देना चाहती हूँ। 40 में 40। अंजलि तोके नंबर तो पूरा पहले ही मिल जाई तो सबके पता रहल है, साथ में तोके जोन मिलल है आशीर्वाद प्यार वो बहुत कीमती बाटे। तो चला अब तक कुल तू ही ले लो, और लोग भी बचल बा कुछ वो लोग खातिर छोड़बू, तो चलो वो लोग के बुलावल जाओ और हम चाहब के अपन स्थान ग्रहण करा। धन्यवाद। संभावना जी के दोनों योद्धा के मिल गई है बड़की माई के प्यार। ए महामंच के महामुकाबला पर जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, उहे बनी ए महामंच के महाविजेता। श्वेता जी के टीम से अभी तक एक धुरंधर आयल हुए और एक धुरंधर अभी बाचल वाले, और आज के संग्राम में एगो अनोखा खेल हुई। खेल जौना में दोनों टीम के योद्धा एक साथ मिल के कुछ अलग अंदाज दिखाई हैं, हमनी के वो अंदाज भी देखल जाए। हुआ सब कहीं जाई मत, काहे कि गांव गली घर घर में छोट छोट लड़का जो ने बात के कह रहल बाने ओकरा के ध्यान में रखी कि वो हर सपना जौना में बसेला प्राण, वो हर सपना जौन भरेला उड़ान, वो हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम।
महासंग्राम के महाविजेता के मिली एगो एसआई की तरफ से 5 गियर बॉक्स वाली शानदार बाइक। आई सब अब चल जाओ संभावना जी के लगे और जोशीले टीम से किकरा के भेजे तारी संभावना जी। बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर से मेरा फेवरेट अविनाश। नमस्कार प्रणाम गोल लगता नहीं हिंदुस्तान और स्वागत करता है नेपाल लोगों का एक डांस के माध्यम से पर जिसका नाम बात नेशनल एवरीडे डांस संग्राम। Caution. A virus has been detected. A virus has been detected. Caution. A virus has been detected. Caution. A virus has been A virus has been बड़की माई ई स्टाइल के का कहल जाला कौन स्टाइल है रोबो अगर वो नाचेगा तो ऐसा नाचेगा। टू गुड अविनाश यू आर एक्सेलेंट। आई हैव रियलाइज्ड अम्मा हियर आई हैव रियलाइज्ड दैट ये जितनी बार अपने चेहरे को रंगता है चाहे काला या सफेद उसी बार बहुत माइंड ब्लोइंग करता है। यू डू इट सो गुड एक्सेलेंट आई हैव नेवर सीन इट सो ब्यूटिफुल। तुम्हारे बॉडी में कितने जोड़ हैं कितनी हड्डियां हैं कितने पार्ट्स में टूट सकती हैं वो सारे दिख रहे थे। इट वॉज सो क्लियर इट वॉज फ्लॉलेस परफॉर्मेंस जिसमें कोई गलती नहीं ढूंढ सकती। ब्रिलियंट थैंक यू मैम ब्रिलियंट। ये परफॉर्मेंस के खातिर भी गिरीश सर के बहुत बहुत धन्यवाद दे चाहे गिरीश सर और सचिन सर आई लव यू सो मच। It's brilliant what you have done to the boy. Brilliant. आप तो पहले आगे आइए। नीतू जी से पूछल जाओ कैसा लगा नीतू जी आपके जब ये डांस कर रहा था तो हमको लग ही नहीं रहा था कि ये इंसान भी है ऐसे हो गए थे हम। इतना अच्छा परफॉर्म किए हो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब इतना बहुत ही सुंदर सब लोग तो इतना बोल ही दिया है फ्लॉलेस था मतलब हमको लग रहा था कि भी दिल भी बाहर ना आ जाए कुछ ऐसे निकल ना जाए कहीं गिर ना मतलब हमको लग रहा था पकड़ लो उसको टूट ना जाए कुछ भी इतना सुंदर किए हो बहुत ज़्यादा अच्छा। थैंक यू सो मच मैम एकदम सब केहू जोन अपना दिल के भाव बता रहा बा तो हमू अपना के रोक नहीं खी पावत जब हम देखत रहनी है तो हमके लागल कि हम कहीं सपना देखत रहनी उस सपना जैसा लागत रहा कहीं भरोसा ना होत रहा कि हकीकत में मंच पे चल रहा बा इतना उतार कमाल के परफॉर्मेंस रहा।
अब हमार तो हिम्मते नहीं के पड़त कि हम नंबर खातिर पूछी, तू खुदे पूछ लगी तो के कितना नंबर मिला था। श्वेता मैम का है? कुछ नहीं मैम। पूछ ला कितना नंबर दे लिए तो के? हमारा नंबर बता दी मैम। एक केकरा के नंबर दे ही? रोबोट के कि अविनाश के? मैम अविनाश रोबोट के। अविनाश रोबोट के? अब जब रोबोट आ ही गया है तो चल ले जाता 40 में, तेरे को पूरा 40 देती हूँ जा। 40 में 40। और मतलब आज से हमनी के मान लेनी जा कि तू अविनाश रोबोट हवा। तू ऐसे ही मेहनत करत रहा और अब हम चाहब कि अपन स्थान ग्रहण करा ताकि हमनी के अगला धुरंधर के बुलावल जाओ। आई अब तनी चलल जाओ हमनी के श्वेता जी के लगे। श्वेता जी अब आपके एगो सिपाही बांचल बा और जौना तरह के परफॉर्मेंस दे रहल बाड़े संभावना जी के जोशीले लोग, तो का लगता आप इनके भेजल चाहता नहीं कि ना? देखो भैया वो वहाँ से ना नकली चीज़ भेज रहे हैं, नकली रोबोट नकली गुड़िया, अब हम असली लड़की भेजते हैं। जा गौरी। कैसा लगा था तोरा के आज अपन परफॉर्मेंस देके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने अपने डांस पे दिखाना चाहा है कि मुंबई और यूपी के जितने भी वासी हैं सब हम एक हैं, हम उन लोगों को ये डांस डेडिकेट करना चाहते हैं। संभावना जी कैसा लागल है ई गौरी चैत्री जी के रंग जोन दिखावे की कोशिश के लिए? सबसे पहले तो गौरी मैं आपको बता दूँ कि आप इस कॉस्ट्यूम में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप, उतना ही खूबसूरत आपका परफॉर्मेंस भी था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत कई जगह आपका ये पल्लू ने आपको डिस्टर्ब किया, वो पैर का आपका वो जो पीछे का वो था वो खुल गया, बट स्टिल इट डिडंट डिस्टर्ब योर परफॉर्मेंस। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वेरी गुड एंड गुड एक्सप्रेशंस। इसने भोजपुरी गाने पे जिस तरह से लटके झटके दिए, बिल्कुल लावनी एक्सप्रेशन, इस वेट में भी ये पक्की लावनी गल लगी थी और आई एम प्राउड ऑफ यू गौरी। और अब चलल जी हमनी के अपना मेहमान के लगे। नीतू जी आप बताइए आपके कैसे लागल है? इतना स्पिरिट था, एक्चुअली इतना जोश था, स्माइल था थ्रू आउट। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि स्माइल गया हो या एनर्जी कम हो गई हो, एनर्जी थ्रू आउट थी, विच वॉज ब्यूटिफुल। It was amazing. This freshness was amazing too. Thank you, ma'am. डर लगा था? नहीं नहीं, आज डरने की बात नहीं है, आज आप बहुत अच्छा नाचे। थैंक यू मैम। कोई रेपिटेशन नहीं था, मूड भी बहुत अच्छा था, लावणी टाइप का मूड था। प्रतिद्वंदी कप्तान से यह जानल जाओ कि उनका झोली से कितना नंबर निकलल है गौरी चैत्री खातिर। 40। 40 में 40। तो हम बुलाइब अपना अगला धुरंधर के और चाहब कि गौरी जी अपन स्थान ग्रहण करी। आज हर योद्धा दिखा रहल बाणे अपन अलग अंदाज, जेकर अंदाज रही हर बार मजेदार उहे बनी ए महामंच का सबसे बड़का डांसिंग स्टार। एक एक करके पांच योद्धा आ चुकल हुए और दिखा चुकल हुए अपन जलवा ए महामंच पे। बाचल बा बस एगो धुरंधर, उहो संभावना जी के टीम से। तो हमनी के देखल जाई ओ धुरंधर के जलवा और साथ में आज एगो खेल ऐसन देखे के मिली जौन खेल खेली हैं दोनों टीम के योद्धा एक साथे मिलके। हमनी के देखल जाई, रउआ सब कहीं जाई मत कहे कि वो हर सपना जौना में बसेला प्राण, वो हर सपना जौन भरेला उड़ान, वो हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है तान संग्राम। महासंग्राम के महाविजेता के मिली एगो शानदार ट्रॉफी के साथ एसआई के तरफ से 5 गियर बॉक्स वाली शानदार बाइक। आज महासंग्राम में हर योद्धा दिखा रहल बाणे अपन अलग अंदाज, उनकर खुद का अंदाज। ताई सबे तनी चलल जाओ हमनी जोशीले टीम में और बुलावल जाओ झारखंड रांची के डांसिंग धमाका कोमल सिंह के।
कोमल ई तुहार आज जौन अलग अंदाज रहे जो ना कि तू आज दिखौलू है कैसन लागत है कि दिखा के सर अच्छा लग रहा है एक कोशिश थी हेलन मैम के जैसा करने का क्योंकि कुछ एपिसोड पहले मैम ने कमेंट दिया था कि हेलन मैम की तरह मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ बस मैंने ट्राई करा है सर पता नहीं मैम को कैसा लगा होगा मैंने आपको सजेशन ज़रूर दिया था कि आप हेलन जी को फॉलो करो बिकॉज आपकी हाइट आपका फिगर इन चीज़ के काम आ सकता है कैबरे लेकिन कैबरे को स्टडी करना चाहिए पहले परफॉर्मेंस करने से पहले आप किसी की कॉपी करते हैं तो उसका इमेज अपने दिमाग में रखो उसको इतनी बार स्टडी करो उसके बाद उसको फॉलो करो वरना तो आप हेलन का नाम भी ख़राब कर देंगे है ना बेटर लक नेक्स्ट टाइम थैंक यू नीतू जी रहुआ के कैसन लागल है कोमल के ही परफॉर्मेंस जिस तरह से आप परफॉर्म कर रही थी सीढ़ियों से ऐसे उतरना एकदम बीट्स पे और वो ध्यान से ऊपर चढ़ना फिर वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है ये और हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा काम मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया बहुत सुंदर हमको तो बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू मैम और अब चलल जाइए हमनी के प्रतिद्वंदी कप्तान श्वेता जी के लगे और जानल जाए कि कितना नंबर मिलल है तोके जी मैं आपको नंबर दूंगी 34 34 नंबर मिलल है श्वेता जी के झोली से और हम चाहब कि बड़की माई के जो नंबर बाबू हमनी के आखिरी में बतावल जी और अभी आप अपन स्थान ग्रहण करी आज कोनो खतरा के बात नहीं है कहें कि ये मंच के छोड़ के आज केहू ना जाए लेकिन आज बड़की माई और प्रतिद्वंदी कप्तान के नंबर जोड़ के जेकर सबसे ज्यादा नंबर रही दू गो योद्धा हो जाइए सुरक्षित योद्धा आज एक घमासान में एगो और चक्र भी हुआ जौना में दोनों टीम के योद्धा एक एक करके और एक साथ में अपन परफॉर्मेंस देखे हैं और नंबर भी दिहल जाई नंबर ए बात खातिर दिहल जाई कि योद्धा अपने टीम के कदम से कदम मिला के कितना बखूबी परफॉर्मेंस दी हैं ताई सबे सबसे पहले चलल जाओ हमनी के श्वेता जी के जाबाज लोग के पास संभावना जी रउआ बताई कैसन लागल है दीपू और गौरी जी के जो जुगल कार्यक्रम देखे के मिलल है फाइनली दीपू ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया बहुत अच्छा लगा डुएट डांस में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है जो कि आप दोनों का बराबर था गौरी ऑलवेज वी नो कि अच्छा डांस करती है तुमने आज भी अच्छा किया है कोऑर्डिनेशन वाइज आप दोनों का बहुत बढ़िया था नीतू जी रउआ के कैसन लागल है हमारा ये दोनों धुरंधर लोग के जुगल कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा श्वेता का टीम है हमको लगा कि बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री था दोनों के बीच में और जिस तरह से रिदमिक के लोग डांस कर रहे थे हमको पहले भी देखे हैं इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा और मार्क्स देने के लिए तो मास्टर जी हैं ही तो हमको लगता है कि मास्टर जी बोले इसके बारे में तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा कि ग्रुप में भी हमको इन लोग दोनों का डांस परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला और अब बारी बाटे बड़की माई के अब की बार मेरे को दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा ये पहला डुएट डांस है जो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया बहुत बहुत धन्यवाद मैम अब बारी बाटे नंबर के तो हमनी के चलल जाओ संभावना जी के लगे और उनका से जानल जाओ कि उनका झोली से कितना नंबर निकलल है तुम लोग खातिर के दिनेश कभी भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस होता है वो भी डुएट परफॉर्मेंस तो एक की वजह से नहीं होता वो दोनों की वजह से होता है तो मैं इन दोनों को 39-39 देना चाहूँगी 39-39 नंबर तो बहुत बढ़िया मेहनत कैला लोग और तू लोग के मेहनत के फल बाटे खाली एक एक नंबर बच गई ला कोशिश कर लोग कि अगला बार वो झपट ला ठीक बा तो हमनी के बुलावल जाए अपना अगला धुरंधर लोग के और हम चाहब कि तू लोग अपन स्थान ग्रहण करा श्वेता जी के जाबाज लोग के तब मिल गई 39-39 नंबर और साथ में बहुत सारा प्यार दुलार मिलल है बड़की माई की तरफ से तो हमनी के देखल जाए कि संभावना जी की जोशीले लोग के अंदाज कैसन रही और तालमेल कैसन रही रउआ सब कहीं जाए मत काहे कि वो हर सपना जोना में बसेला प्राण वो हर सपना जोन भरेला उड़ान वो हर सपना जोन होखेला चट्टान ओकर आखिरी मंजिल है डाउन संग्राम हम बार बार रउआ सबके बतावत रहिले कि जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार उहे बनी ये महामंच के महाविजेता
आई सबे तनी देखल जाओ कि जोशीले लोग के कैसन जोश बा और ए लोग के टीम के तालमेल और तैयारी कैसन बाटे। श्वेता जी कैसन लागल है लोग के तालमेल? आप लोगों को पता है ना क्या हो रहा था? मुझे लग ही नहीं रहा था कि यहाँ चार डांस के महारथी एक साथ डांस कर रहे हैं। इतनी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, सब अलग अलग अपने अपने लिए डांस कर रहे थे। एक मेरे लिए कर रहा था, एक संभावना जी के लिए कर रहा था, एक सरोज जी के लिए कर रहा था, है ना? इसीलिए बोलते ना, ग्रुप डांसिंग इज वेरी डिफिकल्ट। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है कि बाजू वाले के साथ तुमको सिंक करके नाचना है। आप चारों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी, मतलब कैसा होता था, दो आप लोग बराबर करते थे, वो दो गोता खाते थे, अगर वो दो बराबर करते थे तो आप दो गोता खाते थे। अल्टीमेटली सबकी प्रॉब्लम थी, सो आई एम सॉरी, ये ग्रुप बहुत वीक था। अकॉर्डिंग टू दोज टू, आप लोगों का ग्रुप वीक था। ये बात भी याद रहे कि चाहिए कि जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, उहे बनी ये महामंच के महाविजेता। तावा हमनी के अब जानल जाओ कि तू लोग के नंबर कितना मिलल है। मैं अविनाश और आत्मजीत को देती हूँ 35 और अंजलि और कोमल को देती हूँ 32। 35 35 और 32 32 नंबर। ई तरह लो नंबर जो तू लोग के मिलल है प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान से। बारी बाटे बड़की माई के नंबर के, तो बड़की माई के नंबर बतावे से पहले हम चाहब कि तू लोग अपन स्थान ग्रहण करा। दोनों टीम के योद्धा अपन अलग अलग अंदाज दिखावे में कामयाबी हासिल कैले हैं और जीत ले ले हैं बड़की माई और प्रतिद्वंदी कप्तान के दिल। लेकिन जब बारी आई है ग्रुप में अपन तालमेल दिखावे के, तो संभावना जी के जोशीले पर भारी पड़ गए हैं श्वेता जी के जाबाज। तो आई तनी देखल जाओ कि आज पहलका राउंड में जो नंबर मिलल है लोग के उका बाटे। सबसे पहले श्वेता जी के टीम से दीपू बाबू, आपके सोलो परफॉर्मेंस पे संभावना जी देहली है 35 नंबर और बड़की माई आपके देहले हैं 38 नंबर, कुल मिला के 73 नंबर। गौरी तोहरा के मिलल है संभावना जी के तरफ से 40 नंबर और बड़की माई तोहरा के दहली है 40 नंबर, कुल मिला के 80 नंबर। और जब तू लोग अला है ग्रुप में अपना टीम के तालमेल दिखावे खातिर, तब दीपू बाबू के संभावना जी दहली है 39 नंबर और बड़की माई दहली है 40 नंबर, कुल मिला के 79 नंबर। और अपना टीम के साथ है जो तालमेल दिखौलू है गौरी, ओकरा खातिर के संभावना जी तोह के देहली है 39 नंबर और बड़की माई की ओर से तोहरा के भी मिलल है 40 नंबर। दोनों राउंड के जोड़ दिया जाओ, टोटल कहल जाओ, तो गौरी के टोटल नंबर मिलल है 159 नंबर और दीपू के मिलल है 152 नंबर। श्वेता जी के टीम से गौरी बन गई है आज के रिवाइटल सुरक्षित योद्धा। और अब बारी बाटे संभावना जी के बिस्क फार्म बिस्किट जोशीले टीम के आत्मजीत बाबू, आपके श्वेता जी पहलका राउंड में देहली है 39 नंबर और बड़की माई तोह के देहली है 40 नंबर, कुल मिला के 79 नंबर। अंजलि
तोहरा के मिलल है श्वेता जी की ओर से 40 नंबर और बड़की माई भी तोहरा के देले है 40 नंबर। 80 में 80 मिलल है। और अब बारी बाटे अविनाश बाबू के। अविनाश बाबू के श्वेता जी के पहलका राउंड से मिलल है 40 नंबर और बड़की माई तोहरा के दहली है 40 में 40 नंबर, कुल मिला के 80 नंबर। और अब बारी बाटे कोमल के। कोमल तोहरा के पहला राउंड में श्वेता जी दहली है 34 नंबर और बड़की माई तोहरा के दहली है 34 नंबर, कुल मिला के 68 नंबर मिलल हतो के। और जब आयल है दूसरका राउंड त अंजलि तोहरा के श्वेता जी दहली है 32 नंबर और बड़की माई तोहरा के दहली है 37 नंबर, कुल मिला के 69 नंबर दूसरका राउंड में मिलल है। और आत्मजीत बाबू आपके श्वेता जी दहले बाड़ी 35 नंबर और बड़की माई दहले हैं 38 नंबर, कुल मिला के दूसरका राउंड में 73 नंबर मिलल है तोके। और अविनाश बाबू दूसरका राउंड में तोहके श्वेता जी दहली है 35 नंबर और बड़की माई दहली है 38 नंबर, कुल मिला के 73 नंबर। और आखिरी बारी बा कोमल के। कोमल तोहरा के दूसरा राउंड में श्वेता जी दहली है 32 नंबर और बड़की माई दहली है 37 नंबर, कुल मिला के 69 नंबर। और अब पहला राउंड और दूसरा राउंड के जोड़ दिहल जाए तो आत्मजीत बाबू के मिलल है 152 नंबर, अंजलि के मिलल है 149 नंबर, अविनाश के मिलल है 153 नंबर, कोमल के मिलल है 137 नंबर और बिस्क फार्म बिस्किट जोशीले टीम के अविनाश बाबू आज बन गए हैं रिवाइटल सुरक्षित योद्धा। ताई सबे हमनी के अब रीत के निभावल जाओ और गौरी चैत्री जी के भेजल जाओ बड़की माई के लगे, कहें कि आज के ही रिवाइटल सुरक्षित योद्धा हैं त जौन आज के उपहार बाटे सुरक्षित योद्धा के उ जाके बड़की माई से तुले। बड़की माई के हाथ से मिल गल गौरी चैत्री के सुरक्षित योद्धा के उपहार और ई तोहार सपना के करे में साकार तोहार मदद करी और जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार उहे बनी ये महामंच के महाविजेता। और अब बारी बाटे संभावना जी के जोशीले टीम के अविनाश बाबू के जे आज के युद्ध में बन गए हैं सुरक्षित योद्धा और हम चाहता नहीं कि बड़की माई से तू अपन उपहार स्वीकार कर। तई हमें वो दू गो योद्धा जे आज बन गए रिवाइटल सुरक्षित योद्धा और पहुंच गए हैं अंतिम पांच में। बाकी बचल योद्धा लोग के अपन दावेदारी साबित करे खातिर अगला शुक्रवार के लड़े के पड़ी फिर से ही संग्राम और बचावे के पड़ी अपन मंच पे दावेदारी। ओह दिन जेकर परफॉर्मेंस पड़ जाई कमजोर हो के ही मन छोड़ के जाए के भी पड़ी। तरुआ सभे रखी याद और एक बात ही हम जाते जाते कहल चाहब कि लीलरा पे चमचम शांत जनिहा की हवे भोजपुरिया, अस्सियों में लागी जवान तजनिहा की हवे भोजपुरिया, देखही में लागे पहलवान तजनिहा की हवे भोजपुरिया, देश खातिर ले ले हथवा में जान तजनिहा की हवे भोजपुरिया। जय भारत जय भोजपुरिया।